वैल्यू इन्वेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो स्ट्रेटेजी है जहाँ पे जो भी स्टॉक हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसकी एसेट की वैल्यूएशन अंडरलाइन स्टॉक एसेट से उसका वैल्यू नीचे रहता है, वहाँ पे हमें वैल्यू बाइंग दिखता है। और जिसका मार्केट में बेसिक आइडिया ये रहता है कि अंडरवैल्यूड स्टॉक को खरीदे एंड मार्केट के करेक्ट होने के या उसके वैल्यूएशन ऊपर आने तक का इंतजार करते हैं। ये स्ट्रेटेजी अलग अलग मार्केट में जैसे इंडिया के ग्रोथ मार्केट में काफ़ी इफेक्टिव रही है। ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड इंडिया का सबसे बड़ा फंड है इस कैटेगरी का, जिसकी क्लोजिंग AUM जुलाई मंथ में 48,800 करोड़ की थी एंड ये 20 साल पहले शुरू हुआ था। 20 सालों से इस फंड ने इन्वेस्टर को ऐसे ऐसे रिटर्न बना के दिए कि मैं खुद इसका इसको फंड को लॉन्ग टर्म में देखा हूँ मैंने, जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न बैठे हैं। अगर किसी ने 10 लाख रुपये स्टार्टिंग में लगाए होते तो जुलाई 2024 20 साल कम्प्लीट होने पर इस फंड की वैल्यूएशन बनती 4,56,00,000। तो इसका टेकर रिटर्न बनता है 21% कंपाउंडेड फॉर लास्ट 20 ईयर्स। फंड्स का फोकस हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के ऊपर रहता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं रहता है। ये फंड ऐसे जहाँ पर डाइवर्सिफाइड हर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अप्रोच को किया जाता है। इन्वेस्टमेंट होराइजन आप जब भी ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड में लगाए तो इसकी इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ी लंबी होनी चाहिए, बिकॉज इस तरह के अप्रोच में फंड कभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है, बट जब आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो ये फंड आपको हमेशा रिटर्न बना के ही देता है। इस फंड में पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अब जैसे वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 20 ईयर्स कम्प्लीट किए हैं, इस फंड ने वो दिखाया है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर रेजिलिएंट रहे एंड कंसिस्टेंसी के साथ इसके पेशेंस दिखाए तो ये फंड ने मार्केट को हर एक परफॉर्म फेस को पार करके काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये उस माइलस्टोन को दर्शाता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में रहता है उसका रिटर्न बनेगा। मार्केट स्पेंड टाइम इन द मार्केट, डो नॉट टाइम द मार्केट, ये फंड समझाता है। एंड वैल्यू डिस्कवरी फंड को 20 साल हो चुके हैं एंड इस फंड ने इंडिया के ग्रोथ में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया है। फंड का रिटर्न फंडामेंटल रहा है, सिग्निफिकेंट रहा है और इस फंड ने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट की भाषा समझाई है। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमने इस जर्नी में वैल्यू डिस्कवरी हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किए एंड जितने भी इन्वेस्ट किया उन सभी का इस फंड में रिटर्न बना के दिया है। थैंक यू।